सो गाइज वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम लोग का फर्स्ट डे है इस घर पे, क्योंकि जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग शिफ्ट हो चुके थे। हम लोग घूम फिर कर अभी फिलहाल आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोग घर पर आए, चाय वगैरह बनाए, मैगी वगैरह खाए, तो वो हम लोग का स्नैक्स हो गया। लेकिन अभी हम लोग का प्रॉपर डिनर टाइम है। तो देखो मिरर में आपको सब कुछ दिख जाएगा, वहाँ पर जो बन रहा है ना ये गैस है हमारा। चलो घुमा कर ही दिखा देता हूँ। तो ये है इंडक्शन और इंडक्शन में बन रहा है कुछ खाना। और क्या बन रहा है ये अभी भावना बताएगी आपको। अनियन और मिर्ची तो दिख रहा है। आज क्या स्पेशल है यहाँ पर? आज स्पेशल है यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। ओके ठीक है। तो यहाँ पे कुछ राइस है जो ऑलरेडी बॉइल्ड करके रखे हुए हैं। ओके झटपट मुझे इजीली फटाफट बनाना था, इसलिए मैं सोचा कि चलो फ्राइड राइस ही बना लेते हैं। चलो भैया आज तो फ्राइड राइस खाएंगे अपन एकदम इंडियन स्टाइल। क्या बोलती पब्लिक? अभी पहले खाऊंगा फिर आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। बन जाता है खाना फिर मैं आपको बताता हूँ। देखा आपने हम लोग ने कैसी क्विक शिफ्टिंग की थी, और ये देखो इसको खुशी नए घर पे आने की। कैसे एकदम क्विक शिफ्टिंग की थी आपने, बिलीव नहीं करोगे। मैंने लाइफ में ऐसी कभी शिफ्टिंग नहीं की है, और ना कभी मैं ऐसे कभी इवन ट्रिप में जाने के लिए ना एक हफ्ते पहले सोचना पड़ता है। और आज वहाँ एक घर से दूसरे घर पे शिफ्ट होने के लिए लिटरली 3 घंटे में हमने सब कुछ किया है, स्टार्ट टू एंड 3 घंटे। मैं बता सकती हूँ क्या हुआ था। तो मॉर्निंग में मैंने मोहित बोला कि आज तुम चाय बनाओ, तो मोहित चाय बनाने बाहर गया। उन्होंने वो ओनर से मिला एंड कुछ बात हुई, तो अंदर आया रूम के अंदर। उसने मुझे बोला कि क्या करना है तुमको, आज वो वर्क करना है या फिर 3-4 दिन है हमारे पास में, तो 3-4 दिन में यहाँ पर आ जाओ। 3-4 दिन में तो नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं बाहर गया था एक्चुअली ओनर लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने उनको देख लिया था नीचे। बट क्या हुआ कि वो अचानक से सामने आ गया और उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको शिफ्ट करना है क्या। तो मैंने बोला कि अभी 6-7 दिन तो है, तो मैं इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो थर्सडे को मतलब 3 दिन बाद जा रहे हैं यहाँ से कहीं घूमने के लिए, और वो डायरेक्ट संडे को आएंगे। संडे या मंडे को आएंगे, सॉरी मंडे को आएंगे बोला। तो मंडे को है 1 तारीख यहाँ पर, ठीक है। तो मंडे को जो 1 तारीख है यहाँ पर वो मंडे को आएगी, तो हम लोग मंडे को शिफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगा था कि शिफ्टिंग के लिए 1-2 दिन तो लगेगा, क्योंकि मेरा फिर अगर मंडे को शिफ्ट होगा तो मेरा ट्यूजडे वेनसडे को ऑफ था। तो मैं बोला कि ट्यूजडे वेनसडे कर लेंगे, तो बोली कि नहीं, जिसका घर है ये वो लोगों को वो 30th को चाबी देगी, 30th सितंबर को चाबी दे देगी, और 1 तारीख को उनके नाम पे घर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि अभी उनके जो वाईफाई इंटरनेट वगैरह है वो भी सिर्फ 28 तक चलेंगे। और उसने बोला कि अगर मैं थर्सडे को चली जाऊँगी उसके बाद यहाँ पर मैं तुमको सिर्फ कीज दे दूँगी, तुम घर चले जाना, शिफ्ट हो जाना जैसे तुमको होना है। लेकिन अगर तुम आज होते हो तो उनका जो भी काम था वो सब वो निपटाएंगे, और उसके बाद वो मुझे और मतलब मेरे सामान को और भावना को हमको पिकअप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मतलब हाँ शिफ्टिंग में बेसिकली हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ पर कनाडा में शिफ्टिंग के लिए कोई हेल्प नहीं करता है। और अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट होते थे तो हमको पता है आपको क्या करना पड़ता था। ये शिफ्टिंग का पूरा सामान या तो कोई आपका फ्रेंड हो जिसके पास गाड़ी हो, चलो वो तो है, मैंने अभी लकीली फ्रेंडशिप के लिए मामले में अपन अच्छे खासे है, तो दोस्त तो यहाँ पर बन गए कि भाई चलो गाड़ी किसी को भी फ़ोन करेगा तो कोई आ जाएगा। बट मुझे दोस्तों को ना कभी फर्स्ट कॉल पे उस चीज़ के लिए नहीं बुलाना था। चलो हम घूमने फिरने जाते हैं बात अलग है, लेकिन दोस्त ऐसे ही टाइम पे काम आते हैं। लेकिन मुझे ये भी था कि वो लोग आ जाएंगे, बट फिर ये था कि उनको टाइम रहे या नहीं रहे सेम डे पे, वो लोग अगर उस दिन पे काम करते रहेंगे तो फिर क्या। फिर ये था कि भाई उबर करो और चले जाओ, या फिर ये है कि किसी को ढूंढो जो यहाँ से वहाँ पर 2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी दे फिर चले जाओ। क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस है नहीं कि मैं यहाँ पर गाड़ी रेंट कर लूँ और फिर उसको 2-3 घंटे यूज़ करूँ, तो मैं अकेला भी नहीं कर सकता वो सब चीज़ें। तो कोई नहीं, तो आंटी ने बोला कि अगर तुम आज कर रहे हो तो वो शिफ्टिंग के लिए हेल्प कर देगी, आफ्टर 4 o'clock वो फ्री है। तो मैं बोला आंटी मेरे को 2-3 दिन के बाद ही करूँगा। तो फिर मैं रूम में चला गया ये बोलकर, और फिर भावना को बोला कि वो आंटी आंटी ऐसा बोल रही है तो क्या करना है। तो भावना ने बोला एक काम कर, आज ही मूव होते हैं।
मैं बोला आर यू श्योर, तो बोली कि हाँ, तू उसको बोल कि आज ही होना है और आज ही निकलते हैं यहाँ से, आज ही है, अभी अभी निकलते हैं। उसको बोल कि मैं फटाफट पैकिंग कर रही हूँ और तुम आ जाओ घर के 4 बजे के बाद। और फिर मुझे ये भी था कि कल भावना का ऑफिस है तो बेचारी शिफ्ट विफ्ट करेगी रात को, फिर आराम नहीं करेगी, सुबह इसको 6-7 बजे जाने का रहता है, तो ये शिफ्ट में कैसे जाएगी। फिर जब आधी पैकिंग हो गई, फिर मेरी बत्ती जली कि कल तो इसको छुट्टी है, ये सीन हो गया। फिर उसके बाद बोला कि चलो अभी कर रहे तो कर ही लेते। फिर फटाफट भावना ने सब उधर से कपड़े वपड़े निकाले, सूटकेस तो थे हमारे पास इंडिया से लाए हुए बड़े बड़े। मतलब मोहित ना ऐसे कॉन्फिडेंस तो दिखाता है वो हर चीज़ में, लेकिन मुझे ना उसके उसमें 1% जो है, मतलब वो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1% थोड़ा सा वो जो है ना, वो मैं समझने लग गई वो भी तेरा, कि तू थोड़ा एक स्टेप बैकवर्ड ले लेता है या तो थोड़ा तो आज क्या हुआ, मैंने बहुत सारे बाइक्स बनाए थे, तो मुझे ऐसा नहीं था कि हमें बहुत सारे बाइक बनाऊंगा, मुझे था कि हाँ ये 4 बाइक्स है, इसी में चीजें एडजस्ट करनी है, प्लस मैं एक बाइक कहीं से अरेंज कर लूंगा, उसमें कहीं से चीजें एडजस्ट कर लेंगे और फिर वो चीज हो जाएगी, तो मेरा ये प्लान था। लेकिन इतने सारे बैग्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 बैग्स जो मेन बैग्स थे वो, और जो छोटे छोटे वॉलमार्ट के बैग्स थे, जो सूटकेस थे वो तो 4 थे मेन, लेकिन जो छोटे छोटे बैग थे वो कम से कम 7-8 बैग्स हो चुके थे, मोर देन दैट, 10 तो थे आराम से। अपने गाड़ी में देखा होगा पूरा ऐसे भरे हुए पड़े थे, तो भैया फुल सेट विट हो गया, अभी रूम भी देखो कहाँ गायब हो गया वो सामान, मुझे भी नहीं मालूम, और वो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है, खाना बन गया कि नहीं? नहीं बन रहा है मेरा, ऐसा ही है, मुझे ना ज़्यादा खींचना पसंद नहीं, मुझे ऐसा कि अभी करना है आप तो अभी ही करना है, तुरंत करना है। हाँ। मुझे ऐसा नहीं कि अगर आप बोलो नहीं कल हम ये करेंगे, नहीं करना है तो आज ही करना है, ये खरीदना है तो कल खरीदेंगे, यहाँ जाकर पूछेंगे वहाँ से, नहीं खरीदना है तो आज ही खरीदना है। तो मैं थोड़ा प्लानिंग के साथ चलता हूँ, भावना का ऐसा कुछ प्लान होता है अनप्लान होता है और वो हो जाता है, फिर वो कर लेती तो फिर मुझे सब संभालना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई तुम अभी के अभी आओ, 4 बजे आओ और मैं आज ही करूँगा, भले रात के 11। और मैं भी उनको क्या बोल रहा हूँ पता है, कि आंटी आप टेंशन मत लो, अगर 2-3 ट्रिप लगेंगे तो आप लगवा लेना और रात तक आज अपन ये सेटल कर ही लेंगे। 2-3 ट्रिप क्या, 1 ट्रिप में हो गया गाइस, 1 ट्रिप में। मेरे को लगा कि फुल रात लगेगा उधर जाके सेट विट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1 घंटे में यहाँ पर सेट, बस मैं अपना खाया पिया घूम कर भी आ गया यहाँ पर, मावना को स्टेशन भी घुमा कर लेकर आ गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, इसके आगे का टेंशन नहीं लेना है। चलो अभी खाना पीना बन रहा है भाई, कुछ अच्छा खुशबू आ रहा है। लेकिन आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि ऐसे रूम में रहेंगे और अगर खाना बनाएंगे तो स्मेल रूम के अंदर ही रह जाएगी, क्या लगता है तुझे? वैसे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया है, देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट है, बाहर भी जा रही है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग क्या होते हैं ना, बॉइल्ड खाना खाते हैं, तो ऐसे रूम्स में ये लोग खाना बना सकते हैं, लेकिन जो अपन इंडियंस खाते हैं ना मसालेदार वाला, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। इसका स्मेल अगर बेड वगैरह में आ गया या चद्दर में आ गया तो ये रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आज तो चलो बना लिया है, लेकिन हम लोग जो हैवी कुकिंग है, मतलब अगर कुछ तड़के वाला चीज़ें बना रही है, तो हम वो मेन किचन आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉक में, वहाँ पर जाके बनाएंगे, और जो स्मॉल कुकिंग है, मैगी हो गई, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, वो अपन रूम में करेंगे। हम क्या तो वहाँ पर बना लेंगे, जब गर्म करना होगा तो यहाँ पर गर्म करके कभी भी खा लो अपना, क्या बोलते हो? सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है, सही बना कि नहीं? बन गया। और लाइटिंग से देखो भावना के ऊपर, ऊपर से लाइट, उधर लाइट, इधर लाइट, किसी चीज की कमी नहीं है गाइस, मतलब आप जो बोलो वो इस घर में अवेलेबल है। हाँ। सिर्फ यहाँ पर फैन नहीं है, ये देखो फैन यहाँ पर लेकर आ गया तुम्हारा भाई, हर चीज है, हर चीज, अवन भी है, टेंशन नहीं। और भावना की पेंटिंग भी है, देखो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। वाओ गाइस, मेरा ये फ्राइड राइस तैयार है, लेकिन आज मुझे याद आया मैं कल तुमने बोला कि ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। हाँ ऑमलेट तो मुझे बनाना है, बनाऊंगा, इसके ऊपर डालेंगे, ये देखो बन गई राइस, इंडियन राइस बन गई है। और मुझे ना पता नहीं, कल 2-3 दिन से ना ऑमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, वैसे तो अभी हम लोगों ने नॉनवेज कम कर दिया है, लेकिन पता नहीं
अंडे का क्या फंडा हो रहा है कि अपने भाई को अंडा खाने का मन कर रहा है कि इतने सारे अंडे पड़े हुए हैं. And that is what is running in your head. I don't know, but एक अंडा उधर वो वाले किचन में छुटी है अपने पहले वाले रूम में. कहां से, कहां एक अंडा था ना जो किचन में रखा था, मेन किचन में वहाँ पर. मुझे नए बर्तन ना, इतने छोटे बर्तन में खाना नहीं बना सकते. हाँ वो लगे दूंगा चाइनीज वाला, इतना बड़ा वो वाला इधर. और वो वाला फायर भी लगे दूंगा इंडियन गैस में ना. वही लगे चाहिए. चलो ये तो बन गया, खाते हैं. सो गाइज अभी ना खाना वीना खाकर हो चुका है और बस हम लोग ऐसे ही बैठे थे और भावना इंस्टाग्राम देख रही थी. मैं तो फिलहाल ना ये देख रहा था, क्या बोलते हैं, भारती टीवी में जो आता है ना अपना भारती टीवी का शो, तो पॉडकास्ट आ रहा था सुदेश भाई का, तो मैं तो वो देख रहा था और भावना देख रही थी इंस्टाग्राम और वो देख रही थी मुंबई कर निखिल को. तो स्कायो किसके जैसे दिखती है, निखिल जैसे दिखती है या शैनन जैसे दिखती है? हाँ, तो मैंने तो बोला कि ऐसे निखिल बोलता है कि वो मोस्टली निखिल जैसे दिखती है. और फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये सेम चीज़ें, मतलब हम जो ये बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, ये चीज़ें मुझे देजा वो हुई थी. तो क्या पता भाई, कभी कभी आपको भी होता है कैसे कि आप कुछ सपने में पहले देख लेते हो और फिर जब वो होता है तो आपको क्लिक होता है. मुझे तो आज हुआ. और फिर इसके बाद की भी चीज़ें थी जो फिर अभी मुझे याद नहीं थी, कोई मेरे से बात करने वाला था या कुछ करने वाला था उस चीज़ के बारे में. तो ये सब चीज़ें भी पता नहीं, यू नेवर नो. तो चलो भैया खाना वीना खा लिया, थोड़ा भारती टीवी का पॉडकास्ट देखते हैं. सुदेश लहरी आए पॉडकास्ट में, वो देखते हैं, उसका थोड़ा आनंद उठाते हैं. सुदेश लहरी इज वेरी, मतलब वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है जिन्होंने बहुत चीजें देखी है. वैसे लगता है ना उनकी बातें सुन के, उनकी चीजें, मतलब उन्होंने बोलते हैं ना एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है. और वो बातें भी ऐसी ऐसी बोल रहे ना कि मजा ही आ रहा है. एंड मतलब और उनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो मतलब इनक्रेडिबल है. उनके जैसे मैंने कॉमिक टाइमिंग किसी का देखा नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट जोक बोलना या ऑन द स्पॉट किसी बातों में रिप्लाई देना एंड दैट टर्न्स आउट टू बी फन फनी, तो वो बहुत ही कम लोगों में होता है, विच इज़ इन दिस गाय. तो चलो भाई अभी इसको एंजॉय करते हैं. तो चली जाएगी.